सबसे ज्यादा मेरा दुखी है जो है मेरा मन वो इसीलिए है, ये देखो मेरे 32,000 के चश्मे की कीमत, 32,000 के चश्मे की हालत देख लो आप। हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो भाई टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो भाई मेरा चश्मा गुम गया है जो कि मैंने 32,000 का खरीदा था, शायद 1.5-2 महीने भी नहीं हुए उसको, 32,000 का चश्मा, और वो खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है। गाड़ियों में भी ढूंढ लिया, घर पे ढूंढ लिया, और फार्म हाउस लास्ट रहा है तो फार्म हाउस में ही शायद हो सकता है, तो वहीं ढूंढ रहे हैं। और मैंने जितने भी ठेकेदार हैं काम कर रहे हैं उन सबको बोल दिया कि ढूंढो भाई चश्मा, कम से कम कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा। तो अगर मिल जाता है तो भाई अच्छी बात है, 32,000 बच जाएंगे मेरे, नहीं मिलता है तो 32,000 का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं ढूंढते क्या होता है और जाते हैं, वहीं ढूंढते हैं फटाफट से। और चेहरा देखो भाई, थोड़ी टेंशन से दिमाग खराब हो रहा है और चेहरा भी ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं आज डायरेक्टली वर्कआउट करके इधर आ गया, नहाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, वो सारा काम मेरे को देखना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं फटाफट से, लेट भी हो गए हैं क्योंकि वहाँ जो फार्म हाउस का नक्शा बनने वाला है वो आज नक्शे वाला आ गया है, तो सारा नक्शा डिजाइन करेगा, क्या है क्या नहीं है, किस तरफ क्या होना है, कैसा गेट रखना है, कैसा बंगलो बनाना है। तो जाते हैं और मिलते हैं और आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं कैसा क्या होने वाला है। और सबसे ज़्यादा फोकस जो है मेरा 32,000 के चश्मे पे है भाई, वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा तो हो गया नुकसान आज का। और फार्म में एंटर करते अपन को लगे कि नहीं अपना कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है, और आते अपन जब भी आते हैं तो अपना एंटरटेनमेंट हो वहाँ पे। फार्म के जस्ट पीछे की तरफ अपन अपना पूल एरिया, वहीं पे रेन डांस का या रेन पर्पस टाइप में, और उसी के पास में जस्ट अपन अपना पूरे फाउंटेन टाइप में अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि अपना जो भी वेट वाला या गीला वाला जो भी पार्टीशन हो गया वो पूरा पूल अभी जैसे जिसमें ऐसा आएगा कि जैसे मेरे एथलीट्स आएंगे कोई भी ऑल ओवर इंडिया से, मैं जो भी अच्छे अच्छे जो पॉपुलर एथलीट्स हैं जिनमें वाकई में दम है, तो मेरा मेन मकसद यही है कि मैं उनको इनवाइट करूं, उनके बीच में कंपटीशन होगा, मेरी तरफ से उनके लिए विनर प्राइज भी होगा। तो जितने बड़े एथलीट्स होंगे उनके लिए मेरे को एक अच्छी सुविधा चाहिए, जैसे कि अच्छा बड़ा लग्जरी रूम होना चाहिए, लेट बाथ अच्छा लग्जरी अटैच होने चाहिए, और उनके लिए एक अच्छा स्विमिंग पूल होना चाहिए ताकि वो यहाँ के माहौल को एंजॉय भी कर सके और यहाँ अपना सारा दम भी दिखा सके। सर अपने एथलीट के लिए जितना भी आपने बताया था उस हिसाब से अपन इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 8-10 रूम ले रहे हैं उनके लिए पर्सनल, ठीक है। उसी के अंदर उनकी मिनिमम साइज जो होगी रूम की वो 15x18 या 15x20 के आसपास, जो कि बहुत मैक्सिमम साइज होती है। उन्हीं के अंदर उनको ड्रेसिंग एरिया, उनका पूरा बाथरूम एरिया वो सारा उनको अटैच मिलेगा, उनके एंजॉयमेंट के लिए अपना पूल एरिया, ये सारी चीज़ें अपन उनको डिसाइड करी है, और उसी के साइड में अपन पूरा उनका प्लेग्राउंड बोल रहे हैं, उनका अखाड़ा टाइप में जो भी आप कंपटीशन कराते हैं उसके लिए अपन प्लान करेंगे इन फ्यूचर जब भी आप कराते हैं। तो इस तरीके से अपना पूरा प्लान सर, और अपना जो बंगलो बनेगा वो पूरा डबल स्टोरी बनेगा, पूरा डबल स्टोरी बनेगा, और पूरा मॉडर्न एंड वेस्टर्न दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें अपने को थोड़ा सा मतलब शेड्स भी कहीं मिले, थोड़ा टेपर टाइप में जो हर्ट टाइप में होता है वो भी अपन को मिलेगा उसमें, और सारी मतलब ओवरऑल जो पूरा काम होना चाहिए पूरा लग्जरी होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए वाकई में। अगर यहाँ से कोई निकले रोड से तो उनको लगना चाहिए कि यार मतलब वीडियो में देख के एक झलक में समझ में आ जाना चाहिए, चाहे वो बंदा गुजरात से आ रहा हो, बॉम्बे से अगर इस रोड से गुजर रहा हो तो एक झलक में समझ में आ जाना चाहिए पवन साहब का मारना है। आया 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 भागा भागा आ गया ना, इधर भाग गया इधर। ओके गाइस, तो भाई काम करते करते शाम हो गई है, हालत ख़राब हो गई, मेरा चेहरा देखो बिल्कुल भूत की तरह हो रहा है, भूत की तरह हो रहा है, जो तो ठीक है लेकिन मेरी आंखें देखो भाई जुखाम हो गई मेरा, अभी 50 बार छींके चली है मुझे, 50 छींके, मेरी बॉडी का पुर्जा पुर्जा हिल गया अंदर से, छींक छींक के। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज का काम मैं आपको बताता हूँ, और काम करते रहो, मस्त रहो, और मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा थोड़ा, ओके पता है मुझे लेकिन जुकाम ऐसा हो गया ना भाई कि पूछो मत, और ओके हालत देख रहा हूँ मेरे गले की कैसी हो रही है क्योंकि मेरे को जुकाम हो गया, इतनी देर से मैं छींक रहा था, पता नहीं क्या हो गया, जुकाम में ऐसा हो ही जाता है। और जिससे ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा मेरा दुखी है जो है मेरा मन वो इसीलिए है, ये देखो मेरे 32,000 के चश्मे की कीमत, 32,000 के चश्मे की हालत देख लो आप। मैं शायद यहीं कहीं खाना खा रहा था कल, तो मैं यहीं रख के भूल गया, और इसके ऊपर
जेसीबी का टायर घूम गया, ठीक है। तो ये हालत है, मेरा मन बहुत दुखी है, परेशान हो गया उसको देख के, लेकिन कोई नहीं, जैसा है इसको रख देंगे साइड में जाके, और तो क्या करें यार, नया चश्मा खरीदेंगे। अभी तो ये नॉर्मल सस्ता वाला पहन रखा, ज़्यादा नहीं 7-8 हज़ार का होगा, तो 32 हज़ार का तो गया भाई, देख लो ये हालत हो गई इसकी। ओके देखो एक बार, ये वही है ना जो मैंने आपको एक बार वीडियो डाल के बताया था, देखो जिमी चोका दिख गया लेबल। चलो अब इसको कैसे लगाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये पूरा मुड़ चुका है। ओके गाइस, तो भाई नुकसान होते रहते हैं, लेकिन 32 हज़ार का टूटा है तो भाई फिर लाएंगे, हिम्मत थोड़ी हारते हैं यार, छोटी मोटी चीज़ है, कोई नहीं, होता रहता है, चलता रहता है। और एक बार फार्म हाउस का काम दिखाते हैं आपको, आज हम इधर से मिट्टी डलवाते थे जा रहे हैं उधर तक, और अब ये सारा काम उधर तक करवाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि भैया आपने सारे पेड़ पौधे उखड़वा दिए, नहीं हम पेड़ पौधे और लगाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वाले। ओके भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, मेरे को लग रहा है तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो अभी जाके टैबलेट लेके सोता हूँ मैं, काढ़ा वड़ा बना के पीऊँगा देसी तरीका।